आफ्टरनून पेपर दिया था आपने, कैसे लगा पेपर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पेपर दिया था, पेपर पे प्रॉब्लम आई कुछ क्वेश्चंस में। पेपर डिस्कस करने क्या है? बोलो भाई कुछ, उसको बोलो यस और नो लिखो, बोलो तो सही, तो आगे पास बढ़ाई जाए, आगे करें कुछ। पेपर डिस्कस करना है क्या? करना है ना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके बैठना, और आप लोगों को भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज तो पेपर डिस्कस कर लेते हैं, कल से मैं रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने आपको क्लास का डाला है, एक क्लास आपकी, एक सेशन की, मतलब एक सेशन की क्लास आपकी अब, और जैसे कल भी होगी क्लास 9 से 9:45 सुबह, ठीक है। तो वो एक ही लेक्चर होगा बस, ऐसे दो लेक्चर नहीं होंगे, जैसे अभी अपन दो लेक्चर लेते हैं, ऐसे दो लेक्चर नहीं होंगे, एक ही लेक्चर होगा ना। तो आज तो मैं पेपर आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। वैसे अगर जिस जो भी लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो उनको तो करें उनकी क्वेश्चन सुन, बाकी जो लोग रेगुलर नहीं है उनको प्रॉब्लम आई होगी। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन वन, ठीक है। क्वेश्चन वन का आपको दिया हुआ है पी इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय बीटा, ठीक है। और ये दिया हुआ है ई की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बोला हुआ है कि इसमें पी जो है वो तो प्रेशर है, पी इज अ प्रेशर, जेड इज द डिस्टेंस, के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड बीटा इज द टेम्परेचर, ठीक है। ये सब आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि जो बीटा है, बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन बताओ, आपको इस बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन बतानी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए एक तो सबसे बेसिक चीज है, बेसिक तो यह है कि आपको जैसे यहाँ पर प्रेशर की बात की गई है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है फोर्स की वजह करती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हुई। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, किलोग्राम इंटू तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के लिए हो जाएगा, मीटर का आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसके डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी, एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, एंड टी की पावर माइनस वन। तो ये तो आ गई आपकी प्रेशर की, अब डायरेक्टली आप याद रख नहीं सकते हो, अगर कोई रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि फोर्स का आप ध्यान रखना, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो प्रेशर का सॉल्व कर लिया, जेड जो है इसने डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या देंगे, एल वन आ जाएगी। ये भी हो जाएगा आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखना, ई के इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो यहाँ पर ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ई के यहाँ पर होता है काइनेटिक एनर्जी, ये तो 3/2 वैल्यू हो गई कोई, के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर। तो अगर आप के बी की इक्वेशन निकालना चाहते हो, के बी की क्या कहेंगे, ई के बाय टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है तो जूल होती है, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन। तो देखो जूल का आपको याद होना चाहिए m1 n2 t-2 और केल्विन का -1, तो ये आ जाएगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एक तो उसने जो दिया हुआ है आपको बीटा दिया हुआ है, बीटा उसने कुछ ने बोला है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की जो डायमेंशनल इक्वेशन हो क्या जाएगी, केल्विन। अब ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इतना आप रट नहीं सकते हो, हर एक के डायमेंशनल इक्वेशन नहीं रट सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तरीका याद रखना है, स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में सिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ई की पावर में जो भी वैल्यू होती है, ये जो भी वैल्यू होती है क्या होती है, डायमेंशन वाइज, ई की पावर में जो भी वैल्यू होती है वो डायमेंशन लेस होती है, आपको ध्यान रखना है। ई की पावर में जो भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा तो यानी कि तो अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो जीरो के बराबर मत कर देना, वन के बराबर करना उसको, ठीक है। किसके बराबर कर देना, वन के बराबर कर देना है, वन के बराबर करा, आप यहाँ से आगे सॉल्व कर, तो देखो अल्फा आप निकाल सकते हो यहाँ से,
अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के थीटा डिवाइड बाय z हो जाएगा। पहली बात की ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि e की पावर में जो भी वैल्यू होती है वो क्या डायमेंशन लेस होती है। तो डायमेंशन लेस है तो ये आपने कर दिया 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकाल लो आप, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है जो कि है, तो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2, k की पावर माइनस 1। थीटा जो है थीटा की हो जाएगी k की पावर 1, ठीक है। z की यहाँ से देख लो, z की क्या हो जाएगी m की पावर 1। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो m की पावर तो 1 आएगा, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 2 माइनस 1, तो l की पावर माइनस 1 हो जाएगा। t की पावर देख लो आप, t की पावर कितनी है माइनस 2, और k k माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करना, बाय दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। पर ये आपसे किसकी पूछ रहा है, बीटा की, ठीक है। तो बीटा की पूछ रहा है तो वापस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कि जो पी की डायमेंशनल इक्वेशन है वही अल्फा और बीटा की होगी, अल्फा डिवाइड बाय बीटा। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये क्यों आया, तो ये तो डायमेंशन लेस है, ये जो वैल्यू है तो डायमेंशन लेस है, तो ये तो यहाँ पर आएगी नहीं, ये तो डायमेंशन लेस है तो ये तो इधर आएगी नहीं आपके, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, अल्फा डिवाइड बाय बीटा। अब अगर आपको यहाँ से बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है, तो बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, अल्फा अल्फा डिवाइड बाय पी फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आप बीटा के लिए सॉल्व कर लो, तो बीटा के लिए सॉल्व कर लो, तो अल्फा आपने सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, तो अल्फा कितना है, एम की पावर 1, एल की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 2, ये तो हो गया आपका अल्फा। टी आपका प्रेशर है, यहाँ से रख दो आप, यहाँ आपके पास एम की पावर 1, एल की पावर माइनस 1 एंड टी की पावर माइनस 2, ठीक है। ये किसका जाएगा आपका प्रेशर का, ये प्रेशर की वैल्यू आप यहाँ रख दो, और बीटा की देख लो आप, बीटा के क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर अच्छे से देखो और एक बार सॉल्व करके बताओ, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में देख रहा हूँ, है ना। एक बार डायमेंशनल इक्वेशन सारी चेक कर लेना अपने, अल्फा वाले में देखो, अल्फा वाले में 2 माइनस 1, ये वाली में जो अपनी प्लस आएगी, ये ऊपर जाएगा 1, 2 माइनस 1 होगा तो प्लस 1 आएगा, तो ये प्लस 1 आएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। मैसेजेस देख रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। तनिषा, तनिषा ने लिखा है, बाकी लोग भी आंसर करो, अनुज, आयुष, चिराग, रुविल गौतम, डेना। अनुज तो बहुत दिनों बाद आए हो यार, बेटा कैसे पढ़ाई करोगे आप यार, कैसे चलेगा काम, अनुज कितने दिन बाद आए हो आप। चलो कल से रेगुलर हो जाना, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलो बेटा इसका सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, इसका ऑप्शन बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है क्या इसका, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना जाएगा आप सॉल्व करोगे तो, ये नंबर, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0, इसको ऊपर लाओगे तो एल की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास, एम 0, एल 2 और टी, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना, ये बनेगा आपका m0 l2 t0। तो ये सॉल्व करना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, आप इस इक्वेशन पे कहना है कि भाई बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन बताओ। अब बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बताओगे, आपको ये ध्यान रखना है, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि e की पावर में कुछ भी आया तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस होता है तो इस वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो डायमेंशन नहीं होगी इसका ये मतलब नहीं है आप जीरो के बराबर कर दो उसको, जीरो के बराबर नहीं करना है उसको, वन के बराबर करना है, ठीक है। ये तो मैंने स्टेप वाइज सॉल्व करा है, अगर मान लो कि आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन में कर रहे हो, तो आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। ये तो मैंने इतना साफ साफ इसलिए करा आपको समझाने के लिए, यू कैन डू इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, ठीक है। तो बेटा ये इसके बराबर करा आपने, और ये ब्रैकेट से अगर आप वैसे कर रहे हो, रिटर्न पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो रिटर्न पेपर में आपको ऐसे करना है,
ढंग से तरीके से। तो एम बार क्या भी वैल्यू ये सारे मैंने का कैलकुलेट करके आपको बता दिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डायमेंशनल इक्वेशन। हमारे वैल्यू क्रिटिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल इक्वेशन को याद रखना संभव नहीं है। कोई रख सकता हो तो बहुत एक्सेप्शनल बात है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द डायमेंशनल इक्वेशन। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइक अ फोर्स। मैकेनिक्स में तो फोर्स का आप याद रख लो, फोर्स से ही अधिकतर चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे प्रैक्टिस के साथ आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ आगे आप अल्फा आगे आपके पास, और अल्फा आने के बाद आप देन यू अप्लाई द व्हिच इज द व्हिच प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रिंसिपल वी आर डूइंग दिस। इस प्रिंसिपल से अपन इसको इसके बराबर कर रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल होता है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन ने इसको इसके बराबर कर यहां बराबर कर दिया, आंसर आ गया m0 n2 p3। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये आंसर होगा बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ठीक है समझ में आ गया, इरेज कर दूं या नोट करोगे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है बता दो आप, क्योंकि फिर आपको ये सारे अपनी एक असाइनमेंट कॉपी बनानी है उसमें करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ बस। डन, हाँ डन लिख दिया करो ताकि थोड़ा कम्युनिकेशन बना रहे, आगे चलते रहे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, यहाँ अपन कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल यही चीजें हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, इवन इन जेई मेन आल्सो, और 11th को अपन पढ़ ही रहे हैं, तो दोनों में इश्यू नहीं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, वैसे तो किया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली तो आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत होगी। मैं आपको इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना बता दूंगा। यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल, ये पहला आपको दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन, ये दिया हुआ है d, ये सेकंड c दिया हुआ है, d हो गया c आपका है y इक्वल टू a बाय t साइन पी बाय। ठीक है, सिस्टमेटिकली तो मैंने इसको करवा रखा है क्वेश्चन, वहां से आप देख लेना। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो किस तरह से करो। रहेगा साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस कॉस 2 पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और इसमें आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट का ये किस्सा है कि देखो आपको इसमें भी लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि हर एक टर्म की डायमेंशनल जो इक्वेशन है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पर y जो है वो डिस्टेंस है, उसकी यूनिट मीटर होती है, a एम्पलीट्यूड है, उसकी यूनिट मीटर होती है, मतलब कि ये तो बात हो गई। अब रहा साइन, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होता है साइन और ये थीटा, क्या आ गया थीटा। अब मुझे ये बताओ कि थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है या नहीं, आप लिख भी सकते हो, मैं देख रहा हूँ आपके रिप्लाई। हाँ मुझे बताओ थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, वो साइड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, ये तो टेम्परेचर के लिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। आई एम सेइंग इस वाले क्वेश्चन में जैसे साइन थीटा लिखा था, थीटा इज अ, हाँ थीटा इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ओके इट इज नॉट अ यूनिट लेस, इसकी रेडियल यूनिट होती है, बट इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आप इसको चेक करो, अब इसमें भी देखो ये जो 2π है, 2π तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, 2π का तो रूल नहीं रहा। अब ये इसकी यूनिट आएगी सेकंड, इसकी यूनिट आएगी सेकंड, सेकंड से सेकंड कर गया तो ये डायमेंशन लेस हो गई, तो ये तो आपकी करेक्ट हो। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो देखो मीटर से मीटर बराबर हो गया और ये डायमेंशन लेस हो गई क्वांटिटी, तो मीटर और मीटर आ गया तो ये सही हो गया, यानी कि इसका आंसर तो आ गया L1 और L1, ये तो हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, बस इस तरह से चेक करना, जैसे मैंने ई की पावर वाला आपको बोला मेन कॉन्सेप्ट है, वैसे ही एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो वेलोसिटी तो होती है मीटर अपॉन सेकेंड,
और टाइम जो होता है उतना सेकंड, तो सेकंड से सेकंड का था, तो ये क्या आ गया मीटर। अब आप ये कंफ्यूज करो तो सर ये मीटर नहीं, ये मीटर नहीं, ये भी मीटर नहीं, इसको आप किससे देखना है, एंगल से। इसको आपको किससे देखना है, एंगल से। और एंगल जो है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर ये सब कट गया, ऐसे इधर भी कट जाना चाहिए था, ये डायमेंशन लेस वैल्यू आनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो क्या आ गया मीटर, ये क्या हो गई आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, नोट करें, मैं अभी क्वेश्चन ले लूंगा आपके अंदर कोई डाउट हो। यहाँ अपन देखें तो ये मीटर आ रहा है, ये मीटर अपन सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन, इसकी बात करें तो टी तो आपका आ गया सेकंड और ये आ गया मीटर का। ये भी क्या है, ये भी आपका डायमेंशन लेस नहीं आ रहा, क्योंकि साइन के साथ क्या होता है थीटा आता है, और थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, पर यहाँ पर तो आपके क्या आ रहा है, सेकंड डिवाइड बाय मीटर आ रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया आपका मीटर, इससे कोई मतलब डायमेंशन में नहीं है। यहाँ पर बात की जाए तो ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि सेकंड डिवाइड बाय सेकंड आएगा, सेकंड डिवाइड बाय सेकंड आएगा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देखो जो चीजें मैंने पहले से करा रखी है, मुझे लगता है कि आप लोगों को आती है, और थोड़ी सी मैं पास लेके चलूंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा ही दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से सर डी और सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इस तरह से जो डी और सी जो है ये नॉट करेक्ट है, सर डी और सी आंसर है। अगली बार अच्छा मैंने मल्टीपल चॉइस जो मल्टीपल करेक्ट होता है, मल्टीपल करेक्ट वाला पेपर पहली बार बनाया था इसका गूगल फॉर्म्स पे, अगली बार जब आपको मल्टीपल चॉइस वाला आएगा क्वेश्चन तो उसमें आपको दोनों पर ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर अपलोड होगा। अभी तो किसी ने एक भी लगा दिया तो नंबर अपलोड होगा आई थिंक, तभी आप लोगों से कोई मेरे पास क्वेरी नहीं आई, नहीं तो अदरवाइज क्वेरी आ जाती आप लोगों से। तो इट मीन्स यही हुआ कि आपने अगर एक भी ऑप्शन सही लगाया होगा तो आपको जो है नंबर अपलोड होगा वहाँ पर, है ना, सही बात है ना। तो आगे से ध्यान, मैं भी वो सही से उसमें कर दूंगा कोडिंग, ताकि आपको दोनों ही सही लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ, मैं मैसेज देख रहा हूँ आपके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और 2 सेकंड के लिए मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, और हो गया तो ओके कर दो, और स्क्रीनशॉट ले गया तो डन कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सर, 4th रिपीट कर दो। अच्छा 4th रिपीट कर देते हैं, 4th भाई डन। क्वेश्चन नंबर वो तो ले लेंगे अपन, देख रहे हैं, 4th को रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, 4th को रिपीट करो। देखो ये चीज क्या है, थीटा है ना भाई, ये थीटा है, ये चीज भी क्या है, थीटा है, थीटा मतलब एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो देखो 2π का तो कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो सेकंड से सेकंड कट गया 1 आ गया, 1 मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया 1 आ गया मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर आप डायमेंशनल इक्वेशन आएगी तो L1 = L1, यानी LHS = RHS, और ये आपका सही हो जाएगा, तो सही है। यू कैन स्पीक ऑल्सो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन अपन मैं सारे लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये डन हो गया अनुज, ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी बच्चे मेरी वेक्टर वाली शीट में थे, वेक्टर वाली जब मैंने शीट सॉल्व कराई, अगर आप वेक्टर वाली शीट में थे तो मैंने करा रखा है, बट फिर भी उस दिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे, कुछ पता नहीं क्यों क्लास से लेते नहीं हो, तो आप भी जाने क्यों नहीं लेते हो क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चे जुड़े हुए थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्वेश्चन नंबर 3 आई थी, 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको आप देखते ही टिक कर सकते हो, अगर आप क्लासेस ले रहे थे रेगुलरली तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे इसमें जिनको क्या आप देखते ही मतलब यू कैन जस्ट गिव डायरेक्टली टिक, है ना, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम रिपीट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो नहीं थे। जब क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है ωIQ, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, ωIQ दिया हुआ है, 3i -4j+k, ये आपको ओमेगा दिया हुआ है, ये r वेक्टर दिया हुआ है, r वेक्टर दिया हुआ है आपको 5i
माइनस सिक्स जे के प्लस सिक्स के, ठीक है। आप ये कह सकते हो सर हमें तो पता ही नहीं था कि बी इक्वल टू ओमेगा 200 आ जाता है, तो भाई उसके लिए आपको क्लास लेनी जरूरी है। तो अगर मैंने इसको क्लास में नहीं कराया होता तो अलग बात थी, मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन नहीं है। और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आपको क्या देगा, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा आपको, लीनियर वेलोसिटी। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं दोबारा सिखा देता हूँ, भाई दोबारा सीख लो। यहाँ लिखोगे आई के, यहाँ लिखोगे जे के, यहाँ लिखोगे के के। आई के ऊपर प्लस लगाना, इधर माइनस लगाना या प्लस लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा में आई का मल्टीपल कितना है देखो, थ्री है। जे का मल्टीपल कितना है, माइनस फोर। जे का मल्टीपल कितना है, वन, ठीक है। अब आप देखो आर में देखो आई का मल्टीपल कितना है, फाइव। यहाँ जे का मल्टीपल कितना है, माइनस सिक्स। और के का मल्टीपल कितना है, सिक्स। आ जाएगा इतना करना, गेस कर दो, ये बनाना। डिटर्मिनेट्स बोलते हैं इसको, सारणिक, हिंदी में सारणिक बोलते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेट्स बोलते हैं। तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई यहाँ तक आ गई बात। आगे मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ, एक स्टेप। ये देखो आप यहाँ पर जैसे आप आई कैप लिखोगे, पहले तो आई कैप के ऊपर किसका साइन है, प्लस का आएगा, प्लस का आई कैप। आई कैप के ऊपर किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का आई कैप आ गया। अब आपको क्या करना है, आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम, आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को आपको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ठीक है। तो माइनस फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24 आ जाएगा, माइनस फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, और माइनस सिक्स को वन से करोगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा। समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। आपको आई निकालना था तो आई वाली रो, आई वाला कॉलम हटाया, जो अंदर जो एलिमेंट्स बचे इसको मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। जे निकालना है तो जे के ऊपर किसका साइन है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का जे के। जे के ऊपर किसका साइन है बेटा, माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का जे के। अब माइनस का जब जे के आप करोगे तो देखो हम इसी में चेंज करके आपको बता देते हैं। अब आपको क्या स्टेप करनी है, वन सेकेंड। अब आपको करना है जे वाला, जे वाली रो और जे वाला कॉलम हटा दो। तो अब थ्री को तो आपको करना है सिक्स से मल्टीप्लाई, और फाइव को करना है वन से, ठीक है। तो करके देखो आप, थ्री को सिक्स से करो तो सिक्स थ्री से 18 आ गया, फाइव को वन से करो तो माइनस फाइव आ गया। इसे ही आप करोगे प्लस के कैप, के ऊपर किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का के कैप आ जाएगा, ठीक है। के वाला रो, के वाला कॉलम हटाओ तो सिक्स थ्री से 18, माइनस का 18 आएगा, देन माइनस फाइव फोर से 20 और माइनस का 20 है। तो इस तरह से आपको एलिमेंट फिलअप कर लेते, ठीक है। एक बार और देख लो, ठीक है, ये आपने फिलअप कर लिया, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो। तो जो जाएगा आई कैप माइनस के 24 प्लस का 6 माइनस जे कैप 18 माइनस 5 कर दो, कितना आएगा प्लस का 30, ये आ गया प्लस का के कैप, जो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 20, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे ऑप्शन बता दो, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कितना आ रहा है बोलो, माइनस 18 आई कैप, माइनस 13 जे कैप और प्लस का 22 के कैप, ठीक है। और भी बच्चे देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ पूछना है आपको तो कुछ, कोई क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन बता दो, मैं तो चाहता हूँ आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो आपने लिखा है माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस 18 आई कैप, माइनस 13 जे कैप, ठीक है, देन प्लस 2 के कैप। तो डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को कुछ पूछना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई क्वेश्चन बन रहा हो किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोई भी बच्चा कुछ दिक्कत हो तो बता दो, अभी बोर्ड पर ही है, रिपीट करना होगा तो रिपीट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आ गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। अभी हो गया डन, हटाए फिर इसे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं फिर आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बता दिया आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि आपने इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा किए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि दो वेक्टर है ए और बी, उनके लिए दिया हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये दिए और ये कह रहे हैं कि ये कब ट्रू होगा, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, कब ट्रू होगा, है ना। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लो, है ना। और ये स्टेप्स है, देखो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको स्टेप्स ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है ना, मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि इसी को आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ध्यान से देखते जाना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर हमें, ये देखो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जब आप करोगे और उसका जो मॉड्यूलस होगा, यानी दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी, और उनका जब आप सम करोगे और जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मॉड्यूलस है वो ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। देखो इसको इससे करता हूँ, मैं ए को ए से करूंगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए को बी से करूंगा तो प्लस क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ए को मैंने इससे करा फिर इससे करा, बी को इससे करता हूँ तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अब बी को बी से करता हूँ तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये करा। अब ऐसे ही मैं ए को इससे करता हूँ तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ए को इससे करता हूँ तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब इसको इससे करता हूँ तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको इससे करता हूँ तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले तो मैंने ये लिखा है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ये जो मैंने मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करा है, आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ अच्छा, ये बताओ ए डॉट ए कितना आएगा, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो तो बताओ जरा टाइप करके। ए डॉट ए, अच्छा ए और ए के बीच में एंगल बता दो कितना है, ए और ए के बीच में एंगल कितना है, ए और ए के बीच में या बी और बी के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चिराग, वेरी गुड। तो मैं आपको एक सैंपल सॉल्व कर देता हूँ, किसको दिक्कत हो। तो कोई वेक्टर है उसका उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो ये क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर और कॉस जीरो, तो यहाँ से क्या जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो क्या जाएगा बी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, जो वेक्टर है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये क्या देगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, चाहे आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से क्या जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ आपके कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देन ये बी स्क्वायर आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे आपके, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, कितना जाएगा 4 ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। अब देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 क्या है, 4 इज द नंबर वैल्यू, 4 क्या है, यहां पे हमारी कोई नंबर वैल्यू है तो 4 तो आपका 0 नहीं हो सकता, 4 इज अ इटसेल्फ इज अ वैल्यू, सो ए डॉट बी ही 0 हो सकता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने,
आप में से भाई ये बताओ, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने आपको कुछ दिन बताया था, अगर कोई दो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बोलो। कोई दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा बोलो। 90 डिग्री होगा, वेरी गुड। कितना होगा बेटा एंगल? 90 डिग्री। इसको इसको दिक्कत नहीं है ना इसमें? दिक्कत है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप अच्छे से खुद ध्यान रखना इसको। ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब ए बी तो जीरो होगा नहीं क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 पे जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे की क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। तो जरा ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या आपको? कोई ऑप्शन दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ऑप्शन है कोई? बी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ना आपको, बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। एक तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो यस कर दे। देखो इस कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके लर्न तो करने पड़ेंगे, ठीक है? आप सडनली कोई क्वेश्चन आपको आ गया और ऐसा हो नहीं सकता सडनली आप अटेम्प्ट कर और सॉल्व कर दो, बिकॉज डॉट के लिए क्रॉस भी कर सकते थे और क्रॉस से अपना आंसर नहीं बनता, ठीक है ना? तो आपको ये चेक करना है, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। अब मैं आपको एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट और सॉल्व करके बताता हूँ। ये तो आपका हो गया, ये तो अभी आपका परपेंडिकुलर है ना। एक सेकेंड, अब एक ऑप्शन और चेक करके बताता हूँ आपके ध्यान से देखना। एक तो ये तो हो गया, सेकेंड आपको यहीं से जो इसने दिया है, इसे दिया हुआ है मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दिया हुआ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस के बी वेक्टर, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं सब, ठीक है? अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का इसने कह रहा है व्हेन आइदर ए इज जीरो। अगर मैं कर दूं कि इफ इफ मोड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, अगर मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस बी वेक्टर, और यहां से तो भाई बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मोड के अंदर से जो भी चीज आप निकालते हो पॉजिटिव ही निकलती है बाहर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बता दो और इसकी पिक ले लो, क्योंकि ये वेक्टर का था क्वेश्चन, आपको शायद प्रॉब्लम हो। किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो पूछ लो। म्यूट तो नहीं हो ना आप लोग? एक की भी आवाज नहीं आ रही है। हो जाएगा फोर्थ, तनीषा, ध्रुवेल, अनु, चिराग, नेना,
हो जाएगा बेटा, ठीक है चलो हो जाएगा। तो मुझे फिफ्थ बताओ, फिफ्थ का क्या आंसर होगा, फिफ्थ किसने करा है, फिफ्थ का क्या आंसर होगा, फिफ्थ फिफ्थ वाला करा है किसी ने, क्या आंसर होगा फिफ्थ का। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन देखो आप और मुझे आंसर करना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। मैं आंसर आपके यहाँ देख रहा हूँ स्क्रीन पर, आई थिंक सिंपलेस्ट है, आप ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो मैं अभी तक वेक्टर पढ़ रहा है और गलत कर दे। हाँ मुझे नहीं लगता आप में से एक भी बच्चा गुस्से का कहीं भी पढ़ रहे हो गलत कर सकते हैं। ए प्लस बी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दिस केस ऑल दिस थ्री वेक्टर्स आर इन अ सेम प्लेन और अ डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन और इन अ डिफरेंट प्लेन, ये बताओ आप, ये पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। C इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट बोला है। आप मुझे बताओ कि ये कब सही है, जब ये वेक्टर सेम प्लेन में हो या डिफरेंट प्लेन में हो, बोलो कब सही है, सेम प्लेन में हो, वेरी गुड तनिषा, करेक्ट, यू आर करेक्ट, सेम प्लेन में हो। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सिखाया है। अगर मैं इसको इस तरह से बना दू, अगर मैं ऐसे बना दू तो इन सब का सम कितना होगा, ये मैंने आपको सिखाया है, ध्यान होगा आप लोगों को। अगर ये क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप इस तरह से क्लोज लूप बन रहा है, ये क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सो दे मस्ट बी इन अ सेम प्लेन, और अगर ये क्लोज लूप बना रही है, क्लोज हो रहा है बिल्कुल, तो इनका सम क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बोलो बेटा, टाइप कर दो सी वाला, ठीक है समझ में आ गया। सो सी इज राइट, सी वाला आपका करेक्ट है, सी वाले में आपको दिया हुआ है। पहले तो क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन ये दिया है कि थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी एड अप टू जीरो, तीन वेक्टर ए बी सी उनका सम कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, ठीक है उनका सम कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ए बी सी डिफाइन अ प्लेन एंड ए बी सी इज इन दैट प्लेन, तो ए बी सी क्या करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे जो उस प्लेन में। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद भी रखने, ध्यान भी रखने। दीस क्वेश्चन आर नॉट जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड, दीस आर नॉट जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दीस आर द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई कैसा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, डन। पिक लेनी है, कुछ करना है, इरेज कर दू, बोलो हो गया तो एक बार डन कर, डन बोल दो, अगर हो गया तो एक बार डन लिख दो, डन, ठीक है हो गया। तो रिज्वाइन कर लेना, डिस्कनेक्ट हो तो इसके बाद वाला आई थिंक करा होगा आप लोगों ने सही, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने कराया भी हुआ है आपको, है ना, मैंने आपको कराया भी हुआ है अलग क्वेश्चन। ये है आपका पी प्लस